नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दी इनफर्टिलिटी. कोई मुझे बताओ इनफर्टिलिटी क्या होता है? जिसको बच्चे जो जो मदर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी. ठीक है, तो इनफर्टिलिटी या तो बांझपन हो, देखो बांझपन में सिर्फ जो कारण होता है बांझपन का वो सिर्फ महिला नहीं होती. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिला को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें महिला में कमी है. बांझपन जो है आदमी की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, मेल्स की वजह से भी बांझपन हो सकता है कि मेल्स में कोई कमी है जिसकी वजह से फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही है. ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या है कि इनफर्टिलिटी जो होती है बिना किसी साधन के नियमित संभोग के पश्चात भी एक या उससे अधिक सालों तक गर्भधारण की अक्षमता को बांझपन कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं. अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है रेगुलरली एक या दो साल तक फिर भी वो कंसीव ना कर पाए तो हम उस चीज़ को बोलते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन. ठीक है, इसके जो बांझपन जो है वो तीन उसमें क्लासिफाइड है, तीन में तीन चीज़ों में इसका क्लासिफाइड, इसके तीन प्रकार का बांझपन होता है. तीन प्रकार में पहला है प्राथमिक बांझपन, द्वितीयक बांझपन और नपुंसकता. ठीक है, तो प्राथमिक बांझपन बांझपन क्या है कि जिसने एक बार भी गर्भधारण नहीं किया हो वो आता है प्राथमिक बांझपन में. ठीक है, सेकेंडरी बांझपन होता है कि जैसे वो पहली बार तो प्रेग्नेंट हो गई थी लेकिन बाद में वो नहीं हो पाई. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कभी हुई नहीं, उसको पहला बच्चा हो गया लेकिन वो दूसरा बच्चा ट्राई कर रही है लेकिन वो नहीं कर पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बांझपन. जिस मरीज ने एक बार गर्भधारण किया है लेकिन बाद में नहीं किया. नपुंसकता, मरीज में कभी भी गर्भधारण नहीं हो सकता. नपुंसकता ये होती है, स्टरिलिटी क्या होती है कि वो गर्भधारण कभी भी कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो प्राथमिक बांझपन क्या है कि उसको हो गया है क्योंकि उसने कभी भी एक बार भी जो गर्भधारण नहीं किया है. सेकंड में है एक बार कर लिया है दूसरी बार नहीं कर पा रही है, और नपुंसकता होती है जब कभी भी नहीं कर सकते. कारण इसके तीन चीज़ों में डिवाइड है, एक तो होते हैं पुरुष से रिलेटेड कारण, एक होते हैं महिला से, और एक होते हैं दोनों से रिलेटेड कारण. पुरुष से रिलेटेड कारण क्या है कि वीर्य में शुक्राणु रहित है. ठीक है, तो जो उनका जो सीमन है उसमें स्पर्म नहीं है. ठीक है, वो जो सिर्फ वीर्य है उसमें कोई स्पर्म नहीं है, वो शुक्राणु रहित है. शुक्राणु निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है कि उनको स्पर्म नहीं बन पा रहे हैं. शुक्रनाल में कोई अवरोध है कि स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन वो जो नली है जिससे बाहर की तरफ आते हैं फीमेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं उस शुक्रनाल में कोई कमी है. शुक्राणुओं को योनि में पूर्ण रूप से नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि मतलब शुक्राणुओं को योनि के अंदर पूर्ण रूप से नहीं भेज पा रहे हैं, या वीर्य में कोई खराबी है. ठीक है, तो ये तो है पुरुष के कारण जिनके वजह से, जो पुरुष से रिलेटेड कारण जिनकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर सकती. ऐसे ही मेल के कारण क्या है, अंडाशय के कारण यानी निर्माण अनुपुस्ता अनुपस्थिति, अंडाणु भित्ति का टूटना यानी या तो उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, अंडा नहीं बन पा रहा है, या वो भित्ति नहीं टूट पा रही है. फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, फैलोपियन ट्यूब बंद है, या गर्भाशय का कैंसर हो गया है, या उसको रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, उसका जो यूट्रस है पीछे की तरफ को है, या उसकी जो हैमन है जो बाहर की तरफ जो हैमन लेयर होती है वो बंद है, तो यानी बंद है तो अंदर उसको वीर्य ही नहीं जा पाएगा जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाएगी. ठीक है, दोनों में क्या क्या देखने को मिलते हैं कि जोड़ों में से एक की अधिक उम्र होना, किसी एक की अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो संभोग न करना या संभोग में दर्द होना, वो नहीं इंटरकोर्स कर पा रहे हैं तो संभोग के तरीकों में जानकारी ना होना, किस तरह से करना चाहिए उसकी जानकारी नहीं है, या उनको स्ट्रेस है. तो ये कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के कि इनफर्टिलिटी कैसे कैसे हो सकती है. ठीक है, इसमें पुरुष की वजह से भी हो सकते हैं, महिलाओं की वजह से भी हो सकते हैं, और दोनों की वजह से भी सामान्य कॉमन कोज भी हो सकता है. ठीक है, इसके बाद आता है कि जांचें हमें क्या क्या करानी है, क्या क्या हम जांच कराएंगे इसमें,
कि अगर पुरुष की जांच करा रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग जांच करानी है पुरुष की भी और महिला की भी। पुरुष में हमें करानी है उसकी उम्र, शादी के साल, आदतें, जैसे कोई दारू शराब ये सब की आदत नहीं है, उसके सीमन का परीक्षण कर सकते हैं, उसके सीरम हार्मोन का स्तर देख सकते हैं, वर्षणीय बायोप्सी यानी उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, उसमें इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये करते हैं पुरुष में। ऐसे ही महिलाओं में क्या कर सकते हैं, मोटापा या वजन कम करना, मासिक धर्म में एनीमियता देखते हैं, अंडाशय का कार्य देखते हैं वो ठीक से कर पा रहा है या नहीं, अंडा एग बन पा रहा है या नहीं, एग की जो लेयर है वो टूट पा रही है या नहीं, स्पैकुलम परीक्षण करेंगे, स्पैकुला से लेके उसका परीक्षण कर सकते हैं। रक्त में हार्मोन का स्तर देखना है, उसके हार्मोनल बैलेंस देखना है फीमेल का, ठीक है। तो ये जांचें हैं जो हमें अलग अलग मेल और फीमेल के अंदर करानी है। इसके बाद अगला आता है उपचार, क्या कर सकते हैं हम। उपचार होते हैं कि पुरुष का उपचार क्या करेंगे, शारीरिक स्तर को सुधारना चाहिए उसे अपने, जैसे कि हैबिट चेंज करनी चाहिए, दारू शराब ये सब छोड़ देना चाहिए, अधिक आशवत्ती में संभोग नहीं करना चाहिए, उसको संक्रमण की उपस्थिति में एंटीबायोटिक लेनी है, जननांगों की मालिश करनी है, किसी प्रकार के अवरोध होने पर शल्य हॉस्पिटल में दिखाना है, और एलपीडी यानी ल्यूटियल फेस डिफेक्ट की अनियमितता देखनी है। ल्यूटियल फेस डिफेक्ट उसको जो जिसमें हार्मोन नहीं बन पा रहे हैं उसके ल्यूटियल कोई फेस डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी अनियमितता को हमें देखना है। ये करने हैं पुरुष के उपचार। महिलाओं के उपचार क्या कर सकते हैं, एचसीजी हार्मोन देना है उसको कंसीव कराने के लिए, एलपीडी के लिए क्लोमिफेन देनी चाहिए, अगर उसके ल्यूटल फेज में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हमें उससे क्लोमिफेन देनी है। हॉस्पिटल द्वारा ट्यूब अनियमितता को दूर करना चाहिए, मतलब ट्यूब से हम उसकी अनियमितता को दूर कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, जिसमें कि हम अगर वो दोनों इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं या स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा है तो टेक्निकली फीमेल और मेल के एग और स्पर्म का कनेक्शन करा के उसको कंसीव करा सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी। इसके बाद आता है कि क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कपल, काउंसलिंग एंड रेफरल कैसे करना है, कि मानसिक बल देना चाहिए हमें काउंसलिंग के टाइम पे, उन्हें स्ट्रांग बनाना है, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए बोलना है, धूम्रपान या मद्यपान को रोकना है, अगर संभोग में परेशानी है तो उसका उचित समाधान करना है, मासिक चक्र में संभोग करना चाहिए, चक्र के मध्य में, मासिक चक्र के मध्य में जो हमारा मंथली साइकिल होता है उसके मिड में संभोग करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ओवुलेशन होता है और कंसीव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये आते हैं उसके असिस्टेड, ये आते हैं उसकी काउंसलिंग के अंदर। अभी नेक्स्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब हम उसको कंसीव कैसे करा सकते हैं, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या क्या है। एक तो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक तरीका है जिसमें गर्भावस्था कृत्रिम या आंशिक रूप से कृत्रिम साधन के द्वारा होती है, ठीक है। हम इनको टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जिसमें कि आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा सिस्टोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन इंजेक्शन या जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह एक टेक्निक ही है जिसमें पुरुष के शुक्राणु को महिला के अंडे में महिला के शरीर से बाहर निषेचन होता है, बाद में गर्भाशय के अंदर डालते हैं। देखो, फीमेल के अंदर से लेते हैं एग, मेल के अंदर से लेते हैं स्पर्म और उनका बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद अंदर माता के यूट्रस में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। उसके बल अलावा होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शुक्राणु की गिनती बहुत कम होने के कारण अंडे के केंद्र में शुक्राणु का इंजेक्शन लगाने के बाद गर्भाशय के अंदर डालते हैं। तो इसमें क्या है, अगर स्पर्म का काउंट बहुत कम है तो सिर्फ स्पर्म लेते हैं मेल से और वो डायरेक्ट फीमेल के अंदर एग के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, महिला के अंडाशय से अंडे की कोशिकाओं को हटाकर प्रयोगशाला में निषेचन के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एग को लेते हैं और लैब में उसको फर्टिलाइज कराने के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, जाइगोट के टाइम पे ही उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिससे इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है।
ये देखिए, ये है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जो पहले आपको पिक्चर दिख रही है, ये है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन और ये है हमारा ICSI। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो, इंजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को मेल के फीमेल के एग के अंदर, उनका बाहर ही फर्टिलाइजेशन करा के फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है इस वाली कंडीशन में, कि जो स्पर्म है उसको एग के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी। कोई क्वेश्चन? चलिए, ये